मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आयुर्वेदिक उपचार के सभी दर्शकों को सादर वंदे। तो दोस्तों, यदि आप भाई श्री राजीव दीक्षित जी के वीडियो को देखते हैं, रोहित चौधरी का नाम जरूर सुना होगा, जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस को ज्ञान के अभाव में, या फिर ये कहिए कि कुछ एक लोग भारी भरकम रकम कमाने के चक्कर में एक बीमारी का रूप दे दिया है, तो इसी के विरुद्ध डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, जिसकी वजह से हमें फ्लू अर्थात बुखार होता है। इस वायरस से उतनी ही डरने की जरूरत है जितना कि हम एक सामान्य बुखार से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के द्वारा बनाए गए उन सभी वीडियोस को YouTube के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने कोरोना वायरस के लक्षणों की पहचान कर उनका उपचार बताया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि उनके एक या दो वीडियोस डिलीट नहीं हुए हैं, बल्कि 10 से लेकर 11 वीडियोस अभी वर्तमान में वायरस से संबंधित थे, वो सभी डिलीट किए जा चुके हैं। जबकि हाल ही में उन्होंने इस वीडियो को देखकर आप क्या लगता है, आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, पूरी बात मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में है जो भी है, और इनके द्वारा या फिर कही हुई बात आपको क्या लगता है सच है या झूठ, हाल ही में कुछ आपको यही बात बतानी है पूछ के कि एक ई-बुक थी जिसके द्वारा इन्होंने जो अपनी बुक को या फिर अपने जो कॉन्सेप्ट है या जो नियम है या डाइट प्लान है उन्हें जो है पहुंचाने की कोशिश की थी लोगों के पास, यह बताया जा रहा है इस वीडियो के अंदर। बट पूरी बात आगे देखते हैं क्या ये कह रहे हैं। यदि आप एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से करवाएं तो शायद आप जितने भी धनवान हो आपकी संपूर्ण जमा पूंजी कुछ ही वर्षों में समाप्त हो सकती है। बस यही सबसे बड़ी अड़चन है दवाई निर्माताओं के लिए कि आखिरकार कैसे कोई एक व्यक्ति संपूर्ण विश्व भर में फैले हमारे झूठे कारोबार को टक्कर दे सकता है, कि आखिरकार कैसे एक डॉक्टर, सिर्फ एक डॉक्टर जो कि हमारी बिरादरी से बिलोंग भी नहीं करता, वह कैसे हमारे बनाए हुए साम्राज्य को कुछ दिनों में ध्वस्त कर सकता है, और वो भी कोई लंबे चौड़े भाषण आंदोलन या फिर रैली करके नहीं, बल्कि घर बैठे बैठे वीडियोज बना करके, और वो भी यूट्यूब पर। आखिर इस आप खुद से भी सोच सकते हैं कि इनके बारे में कितना भला बुरा बोला गया है, और ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती कि इनके द्वारा ये सब कुछ बोला गया, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जहां लोग इतना मान सम्मान देते हैं, उनके डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, वहां पर इस तरह की बातें इनके बारे में कही गई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता था। इस वीडियो के ज़रिए आप खुद से भी देख कर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप क्या इस तरह की वीडियो को फॉलो करेंगे, या फिर आप इस तरह के जो है चैनल को देखना पसंद करेंगे जहाँ पर इनके बारे में इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ आप कमेंट करें और अच्छे से करें, कभी भी देखिए गलत शब्दों का उपयोग किसी के लिए भी ना करें। धन्यवाद। बल्कि मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि लोग भूतकाल से लेकर वर्तमान तक एवं वर्तमान से लेकर आगे आने वाले भविष्य तक ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन ये आपको तय करना है कि कौन व्यक्ति सच्चाई का समर्थक है और कौन इसका विरोधी है। तो कुछ लोग ऐसे भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमें एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति छोड़ देनी चाहिए, और जो डॉक्टर जो नर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हें ठुकरा देना चाहिए, और क्या हमें लोगों को ऐसे ही मौत के मुंह में धकेल देना चाहिए। तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। जो लोग, जो डॉक्टर, जो नर्स मानवीय सेवा में लगे हुए हैं, वह हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन ऐसे सिस्टम, ऐसे चिकित्सा पद्धति किस काम की जो कि मानवता की सेवा में नहीं बल्कि एक धंधा चलाने में विश्वास रखती हो। वह सिस्टम, वह चिकित्सा पद्धति किस काम की जो कि एक ऐसे वायरस का इलाज न ढूंढ पाए जो कि केवल एक साबुन से नष्ट हो जाते हो। हम मानवता के खिलाफ नहीं, बल्कि चिकित्सा पद्धति की आड़ में मानव सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने वाले उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो कि केवल और केवल अपना ही स्वार्थ साधते रहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें स्वार्थ की क्या बात है, किसका भला हो सकता है आखिरकार ऐसी तबाही मचा करके। तो मैं कहता हूँ, यदि स्वार्थ नहीं है तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जैसे लोगों की वीडियोज को डिलीट क्यों करवाया जा रहा है, क्यों उन्हें दबाया जा रहा है, क्यों प्रिंस चार्ल्स जैसे सम्माननीय एवं आयुर्वेद के समर्थक लोगों को एक पागल एवं मूर्ख घोषित करके उनका मुंह बंद क्यों करवाया जा रहा है, जबकि अब तो हाल ही में जब ईरान में जब 200 कोरोना वायरस के मरीजों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है तो 190 लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके होते हैं, जबकि बचे हुए 10 लोग भी काफी हद तक ठीक हो चुके होते हैं, तो फिर क्यों इन खबरों को सोशल मीडिया एवं टीवी चैनलों के माध्यम से दबाया जा रहा है।
वह सब इसलिए क्योंकि यह एक बना बनाया षड्यंत्र है, एक खेल है जिसका शिकार चाहे जो कोई हो, लेकिन मुनाफा सीधा और सीधा दवाई निर्माता कंपनियों को पहुंचने वाला है। मुनाफा यह है कि दवाई निर्माता कंपनियों के द्वारा अरबों खरबों डॉलर की जो दवाइयां बनाकर स्टॉक में रखी हुई हैं, जो कि किसी भी बीमारी के लिए उपयोगी नहीं है, उन्हें दवाइयों का एक्सपेरिमेंट अब कोरोना वायरस जैसी महामारी पर किया जा रहा है, जिसमें से कुछ लोग ठीक हो भी रहे हैं, जो कि दवाइयों की वजह से नहीं बल्कि अपने इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। एक भय का माहौल न बनाकर लोगों को जागरूक करें कि कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इस बीमारी से बच सकते हैं। अगला सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका, इटली, स्पेन आदि जैसे देशों में ये वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और क्यों इतनी बड़ी संख्या पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने बताया कि इन देशों में इस समय इतनी मौतें होना साधारण एवं स्वाभाविक है। हर साल इन देशों में इससे भी कहीं ज़्यादा मौतें अन्य वायरस से होती हैं, क्योंकि यह प्रदेश वातावरण के अनुसार ठंडे प्रदेशों में गिने जाते हैं एवं ठंडे प्रदेशों में बैक्टीरिया एवं वायरस के पनपने एवं लोगों को बीमार करने की क्षमता गर्म प्रदेशों की बजाय अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ ये प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादा मेहनती कार्य न करके घर पर बैठे बैठे कार्य करते हैं, जिससे कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमजोर होती है एवं ये आसानी से बैक्टीरिया एवं वायरसों के चंगुल में फंस जाते हैं एवं इसी कारण यहाँ पर मौतों का आंकड़ा अधिक होता जाता है। और ठंडे प्रदेशों की तुलना में यदि बात की जाए भारत की, तो यहाँ वातावरण वायरसों के अनुकूल न होकर इनके प्रतिकूल है, जिससे कि यहाँ पर वायरस फैलता तो है लेकिन इनकी संक्रमण क्षमता एवं लोगों को बीमार करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। अब सवाल ये निकल के आता है कि मौजूदा सरकार का विरोध करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, बात बहुत ही साधारण है कि विरोध सरकार का नहीं बल्कि सिस्टम का करना होगा, और इस सिस्टम को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि सिस्टम में कोई एक या दो हॉस्पिटल शामिल नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल से संबंधित सभी सेक्टर्स का एक जाल है, एक सिस्टम है, और किसी जाल में से एक निश्चित धागे को यदि निकाल लिया जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम अर्थात जाल बिगड़ सकता है। क्योंकि आप एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, यदि आप अपने गांव या शहर में किसी हॉस्पिटल को बंद करवाना चाहें तो आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है, जबकि ये तो संपूर्ण देश भर में से इससे संबंधित सेक्टर्स को हटाने की बात हो रही है। छोटे से लेकर बड़े तक न जाने कितने उद्योगपतियों ने इस सिस्टम में इन्वेस्ट कर रखा हुआ है, न जाने कितने ही अरबों खरबों रुपए इस सिस्टम में लोगों ने लगाया हुआ है। तो हमें सिस्टम को उखाड़ने से पहले इसके समानांतर एवं इससे भी मजबूत एक विकल्प तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो आपका फूड न्यूट्रिशन का हो या फिर चाहे आयुर्वेद का। बिना विकल्प के इस सिस्टम को उखाड़ फेंकना सिर्फ और सिर्फ कल्पना आधारित बातें ही साबित होंगी। अब काफी लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी अपना स्वार्थ साधते हैं, ये अपने कोर्स लोगों को बेचते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की, यदि लूट तंत्र वाले सिस्टम को उखाड़ फेंकना है तो इसके सापेक्ष हमें कोई भी एक मजबूत विकल्प खोजना होगा। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी कोई अपने कोर्स नहीं बेच रहे, बल्कि ये एक सामान्य व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं ताकि वह अपना और अन्य लोगों का उपचार बिना किसी खर्चे के कर सके एवं इस लूट तंत्र से मुक्ति पा सके। और यदि आप सोचते हैं कि फिर यह हमसे पैसे क्यों लेते हैं इन चीज़ों को सिखाने का, तो दोस्तों आपको बता दें कि कोई संस्था, कोई भी सिस्टम बिना आर्थिक रूप से मजबूत हुए आगे नहीं बढ़ सकता। उसे प्रत्येक रूप से सक्षम होना पड़ता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह लोगों का सपोर्ट हो, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत होती है। आप किसी को मुफ्त में कोई चीज़ देते हैं तो उसके सामने आपकी उस वस्तु की वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाती। यदि एक उदाहरण के तौर पर देखें तो काफ़ी वर्षों पहले जब भाई श्री राजू दीक्षित जी ने स्वदेशी आंदोलन खड़ा किया, तब उन्होंने किसी से भी एक रुपए भी नहीं लिया। उन्होंने अपने ज्ञान को यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह लोगों को मुफ्त में दिया। जब बारी आई उनका ऋण चुकाने की, तो मैं पूछता हूँ कि कितने ही लोग आखिरकार सामने आए। कुछ लोगों को छोड़कर सब लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुट गए। मैं किसी पर कोई टिप्पणी या लांछन नहीं लगा रहा हूं, बल्कि आपको यह बता रहा हूं कि जब भी आप मुफ्त में कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उसकी कीमत वास्तविक कीमत से घट जाती है। तो दोस्तों, घुमा फिराकर बात सीधी ये है कि विरोध करने वाले लोग विरोध करेंगे, लेकिन हर चीज़ का विरोध करेंगे। विरोध करते आए थे और विरोध करते रहेंगे, लेकिन आपको पहचानना है कि सत्य के साथ कौन है और सत्य के खिलाफ कौन है, हमें किसका साथ देना चाहिए और किसका विरोध करना चाहिए। बाकी तो सब आपके हाथों में है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। किसी का साथ भी दे सकते हैं और किसी का विरोध भी कर सकते हैं। किसी सिस्टम को खड़ा करने में और किसी सिस्टम को नष्ट करने में जनमानस की शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। और दोस्तों, इस नए सिस्टम को खड़ा करने में सबसे उपयुक्त समय यही है। उपयुक्त इसलिए क्योंकि विरोध करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए। अब कुछ एक लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इनका सपोर्ट कैसे किया जाए, तो मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों फिलहाल वर्तमान में आप रेल का कहने का मतलब यह है कि जो डाइट है, जो लाल वाला बटन है उसके साथ ही, लेकिन जो है दवाई भी लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते, ऐसा मानना है।